जय श्री राम भक्तजनों, प्यारे भक्तों, भगवान का यह गुप्त संदेश सिर्फ आपके लिए है। क्या संदेश है? तीनों लोकों की शक्ति मेरे इस नाम में छुपी हुई है। अगर आप मेरे इस नाम का जप करोगे तो जो चाहोगे वह तुरंत मिलेगा। प्यारे भक्तों, आप जानते जरूर होंगे, लेकिन हो सकता है आप भूले हुए हों, लेकिन तकरीबन सारा मनुष्य समुदाय इस चीज़ को जानता है कि भगवान की कौन सी ऐसी शक्ति है कि जो तीनों लोकों में फैली हुई है और इंसान उसको जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। प्यारे भक्तों, वह है श्वासों की शक्ति, क्योंकि श्वासों की शक्ति में ही सब कुछ छुपा हुआ है। अगर जीवात्मा के पास श्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। श्वास रहते हुए वो सारे कार्य करता है, और अगर वो किसी भी तरह का अभ्यास करता है श्वासों का, तो वो जो चाहता है वो पा लेता है, लेकिन हर मनुष्य उसे नहीं जानता है। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं जितना हमने जाना है, तो आप ये समझ लें कि श्वासों के अंदर ही सारी शक्तियों का भंडार है। श्वासों की शक्ति से जो चाहो आप पा सकते हो, क्योंकि श्वासों के अंदर ही परमात्मा बैठा हुआ है, परमात्मा उसके अंदर घुला हुआ है। जैसे आप इस तरह से समझें कि दूध के अंदर मक्खन है, ये हर कोई जानता है दूध के अंदर मक्खन है, लेकिन प्रयत्न करने के बाद वो निकाला जाता है। दूध का जो सार है वह मक्खन है। ऐसे ही परमात्मा एक सार वस्तु है। परमात्मा यानी कि दूध रूपी श्वास के अंदर है। तो परमात्मा जैसे दूध के अंदर मक्खन है, नज़र नहीं आता है, प्रयत्न करने से निकाला जाता है, ऐसे ही श्वासों के अंदर परमात्मा छुपा हुआ है, उसके अंदर घुला हुआ, प्रयत्न के द्वारा, अभ्यास के द्वारा उसको हम ढूंढ सकते हैं, उसको पा सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। और यहाँ तक कह दिया संतों ने तो कि जाकी महिमा नित भजे, वेद शारदा शेष सोहं शब्द परमात्मा भेद भ्रम नहीं लेस। इसमें जरा से भी भ्रम नहीं है, क्योंकि उसकी महिमा वेद शारदा शेष वगैरह सब उसी को ही ध्यान कर रहे हैं, और उसको शब्द कहा गया है जो श्वासों के अंदर है, और वो उसको सोहं कहा गया है, क्योंकि हमारी श्वासों के अंदर प्राकृतिक जो प्रक्रिया है वो सो और हंग है। जब श्वास को ऊपर लेते हैं तो सो की ध्वनि होती है, और जब श्वास को छोड़ते हैं तो हंग की आवाज़ होती है। तो उन्होंने, संतों ने इसे सोहंग का नाम दिया है। तो श्वासों के द्वारा ऊपर आए श्वास तो मन से सो बोलो, और श्वास जब नीचे निकले तो हंग बोलो मन से। तो उसका जब आपको निरंतर अभ्यास हो जाएगा तो उसके अंदर से परमात्मा आपको स्वयं बैठा हुआ मिलेगा, परमात्मा का उसमें आपको दर्शन होगा। ये अनुभव की बात है, इसको ज़्यादा बताया नहीं जा सकता। तो प्यारे भक्तों, अगर आप श्वासों का निरंतर और विश्वास के साथ चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आपको परमात्मा की सारी शक्तियों का भंडार अपने आप मिल जाएगा, निस्संदेह। तो आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।